of hess law also so what hess has said hess has said whatever is the path it doesn't matter but the enthalpy and the heat change always remain same like if you have to go from a to b so whether you are choosing this path directly you are going to b from a or you are choosing another path it means you are going first at c point and then you are going at b point

इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज और यही हमने किस में पढ़ा है पाथ फंक्शन में भी हमने यही पढ़ा है कि पाथ फंक्शन कौन होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ से, से गए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने आपको तभी बता दिया था कि जितनी भी इंथेरेपीज है इन थे पाथ फंक्शन मीन्स दे डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ कार्बन मेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी जो इंथेपी चेंज है वो होता है माइनस थ्री हंड्रेड नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलो जूल अब इस रिएक्शन को अगर हम एक स्टेप में कंप्लीट ना करके दो स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं Like in first step, carbon is reacting with oxygen. There is insufficient amount of oxygen. So carbon monoxide gas is producing here, and this time our enthalpy change is minus 283.5. Minus sign can reaction is exothermic. Yes, the reaction is exothermic. And can that you... is the exothermic reaction. Yes, exactly. Now in second step, carbon monoxide is again reacting with the oxygen.

ये दोनों सेम साइड पे थे तो एड हो जाएंगे हाफ हाफ प्लस इट विल बिकम आपका कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्स दोनों के माइनस साइन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस नाइन हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड नाइनटी थ्री पॉइंटी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपके बैक एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन इन टेक्स्ट में भी है क्वेश्चन और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर आई थिंक आपकी बुक में इथाइल के फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है बैक uh, या क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपकी बुक का आई एम नॉट श्योर इट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द स्टैंडर्ड इंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपका असाइनमेंट है आज का आपको इस क्वेश्चन को करना है इंडिविजुअली सबको और आप मुझे फोन पर फोटो क्लिक करके इसकी अपने सोल्यूशन का भेजेंगे जो कि करते हो तुम लोग दिस इज द क्वेश्चन एक वन मोर दिस इज नॉट ऑफ एल एल्कोहल ऑब्वियसली ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो में भेजा था इसमें अच्छा अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो जरा विद इन वन मिनट बगैर देखे मुझे बताओ इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था किसकी इंथेरेपी हमने कैलकुलेट की है आनंदिनी आई थिंक यू आर टेलिंग ना अनम्यूट कर रहे हो या देख रहे हो अपने आप uh, को क्वेश्चन को मैम इथेन इथेन का फॉर्मेशन हुआ था इतेन. देखा था ये क्वेश्चन सबने यस मैम ओके सो so, ये भी हमारा तीन स्टेप्स में कंप्लीट हुआ इफ यू पीपल हैव ऑलरेडी सीन दैट सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस अगेन अगर नहीं देखा है तो वीडियो खोल के देख लो बस एक दो चीजें मैं आपको रिवाइज करा दू हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आपको जिसकी भी इंथेलिपी कैलकुलेट करनी है सबसे पहले उसे प्रोडक्ट साइड में लिख लो मतलब जो भी आपका टारगेट है जो आपको बनाना है वो आप प्रोडक्ट साइड पे लिख लो उसके बाद वो किस किस से बना है उनको उनकी एलिमेंटल स्टेट में लिखना जरूरी है लाइक like, इथेन हमें साफ दिखाई दे रहा है इट विल फॉर्म फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन सो वी विल राइट हेयर कार्बन एंड हाइड्रोजन द एलिमेंटल स्टेट ऑफ कार्बन इज सी ओनली एंड द एलिमेंटल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज एच टू एंड बैलेंस द रिएक्शन बट बैलेंसिंग डू एट द रियक्ट साइड ओनली ऑन द लेफ्टी आर नॉट गोइंग टू डू एनी चेंज ऑन राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में कोई चेंज कभी नहीं आता बैलेंसिंग करते वक्त बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ आपने सपोज टू लिख दिया या थ्री लिख दिया या फोर लिख दिया तो वो तो फॉर्मेशन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन की हो गई या थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन की हो गई या फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन की हो गई बट वेर यू कैलकुलेट द इन फॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर वन मोल ओनली इसलिए आप यहाँ पर कभी भी बैलेंसिंग नहीं करेंगे इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है देन आपको जो भी रिएक्शंस दिए हुए हैं उसे इनसे मैच करना शुरू करो अब यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट साइड में ये अब हमारा क्या है दिस इज द स्केलेटन रिएक्शन हमें ये चाहिए हमें इस रिएक्शन की कैलकुलेट इन थे यहाँ हमारे पास है कार्बन कितना कार्बन है टू कार्बन क्या हमें क्वेश्चन में कार्बन का रिएक्शन दिया हुआ है येस दिया हुआ है बट वो कितने मोल्स ऑफ कार्बन का दिया हुआ है वन का दिया हुआ है तो हमें टू का चाहिए हम इस पूरी रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर देखो हाइड्रोजन थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हमें क्वेश्चन में हाइड्रोजन का कोई रिएक्शन दिया, yes, दिया है लेकिन वो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन का दिया है तो हम पूरे रिएक्शन कोल्टीप्लाई कर देंगे इंथेलिपीज इनकी है वो भी प्लस होंगी साथ, -साथ. फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से जो हमें इथेन के लिए भी एक रिएक्शन दिया है इथेन के कम्बासन का भी एक रिएक्शन दिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं याद रखो तो किसी चीज को अगर किसी भी कंपाउंड के साथ माइनस साइन है तो अब माइनस तो होता नहीं है रिएक्शन में तो हम क्या करते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए अगर वो राइट right साइड में है तो लेफ्ट साइड में ले आएंगे लेफ्ट में है तो राइट right में ले आएंगे इसीलिए हमने जब इसको इथेन को यहां से यहाँ लाए इधर तो इसका साइन माइनस साइन रिमूव हो गया और हमें वही रिएक्शन मिल गई फाइनली जो हमें चाहिए थी और उसके साथ साथ हमारी लेकिन इन भी कैलकुलेट हो गई व्हेन वी आर एडिंग द रिएक्शन वी विल रिएक्शनपीज आल्सो

आप तो लोग बहुत उल्टा करते हो बहुत उल्टा करते हो ध्यान रखना इंथेपी ऑफ फॉर्मेशन का मेथड अलग होता है इंथेपी ऑफ रियक्शन का मेथड अलग होता है विनायक कैमरा कैसे बंद हो गया आपका बंद करने से बंद होता है अपने आप नहीं होता ओके okay, अब आता है इसके बेस पर हम कुछ और इंथेलिपीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं नाउ दिस इज आर टॉपिक फॉर टुडे। अदर टाइप ऑफ इंथेलिपीज टोल्ड यू कि बहुत सारी इंथेलिपीज होती हैं जिस टाइप का रिएक्शन होता है हम इंथेलपी को वही नाम दे देते हैं लाइक like, uh, जब कम्बन हो रहा तो हमने बोल दिया था इंथेलपी ऑफ कम्बन बट ये जो ऑफ इन ये कुछ अलग है थोड़ी सी हेस लॉ का क्या थे कि हेस लॉ हमें बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है लाइक फर्स्ट सोर्स ने क्या किया इट हेल्प इनिंग ऑफ फॉर्मेशन जो कि हमने क्वेश्चन किया ही है अभी कि इंथेरेपी ऑफ फॉर्मेशन हमें जब भी कैलकुलेट करना होता है क्योंकि तो सारे जितने भी रिएक्शन होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होते तो जब रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो उसकी एग्जैक्ट कितनी इंथेरेपी चेंज हुआ वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी या तो रिलीज होती है या इवॉल्व होती है तो फाइनली इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते सिर्फ हमें सारा देखना पड़ता है उसमें तो वहां पर हमने देखा कि इंथेरेपी ऑफ फॉर्मेशन से किस तरीके से हमने रिएक्शन से इंथेरेपी कैलकुलेट की सेकेंड इसका हमारे पास एप्लीकेशन क्या है कि इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंथेपीज ऑफ ट्रांजिशन इंथेरेपी ऑफ ट्रांजिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था

तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा मुझे नहीं पता रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा आप अपना दिमाग लगाओ अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स एड हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या एब्जॉर्ब होनी चाहिए यानी रिएक्शन होनी चाहिए या एंडोथॉमिक होनी चाहिए तो उस वक्त जो भी इंथेरेपी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज इंथेरेपी ऑफ हाइड्रेशन क्लियर तो ये जो इंथेरेपी है इसे कैलकुलेट करने में भी हमारी हेल्प करता है उसके अलावा प्रेडिक्ट प्रिडिक्टीज ऑफ वेरियस रिएक्शंस बहुत सारी रिएक्शंस की इनथेरेपी को पहले से प्रेडिक्ट करने में भी हेस लॉ हेल्प करता है अब यहां अगर हम देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंथेपी ऑफ सोल्यूशन क्या है इंथेरेपी ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है ओके okay? सबसे पहले तो ये बताइए वॉट इज सोल्यूशन सोल्यूट प्लस सोल्वेंट सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन सो इसका uh, मतलब क्या है कि इफ यू आर मेकिंग द दोल्यूशन ऑफ सोल्ट

जब यानी एनएसीएल का बॉन्ड टूटेगा तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहाँ पर चैप्टर थ्री याद करो थ्री उसमें हमने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे हमने बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़े थे आयनिक और तो डिटेल में पढ़े थे स्टार्ट हमने चैप्टर आयनिक बॉन्ड से करा था और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए थ्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड जो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था जिसमें आपने अपनी फ्रेंच झड़ी हुई है तो उसमें तीन कंडीशन जरूरी थी लो आयनाइजेशन एनर्जी

लेकिन आप लोगों को याद ही नहीं रहती कोई चीज लेटेसिपी के ऊपर क्वेश्चन आया तो पता नहीं आप लोगों ने कौन सी संस्कृत में लिखा है उसका आंसर या फ्रेंच में लिखा है या बंगाली में लिखा है या मराठी में लिखा है पता नहीं मुझे समझ नहीं आया मुझे पढ़ के कि है क्या ये भाषा कौन सी भाषा है तो एनए भी जब अपने बॉन्ड में टूटेगा तो क्या होगा जब बॉन्ड टूटता है अच्छा बताओ तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है एनए जब एन और सीएल में टूटेगा स फॉर्म तो में टूटेगा लिक्विड फॉर्म में तो नहीं आएगा एने और सीएल गैशियस फॉर्म में होते एने और सीएल गैशियस फॉर्म में होते हैं जब वो मिक्स होते हैं वॉटर के अंदर ठीक है तो अभी Na और ClA जो दो आयंस बने हैं जिसके ऊपर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज लैटिस एन्थैल्पी ये आंसर आपको लिखना था व्हेन 1 मोल ऑफ उन इंट इन्ट्स इनथेरेपी की, की. यानी और सीएल तो लेटेस इंथेरेपी यहाँ पर इवॉल्व हुई लेटिस इंथेरेपी को हम क्या लिखेंगे मैंने बताया ही था कोई भी इनथेरेपी हो डेल्टा एच लिखना है उसके नीचे उससे रिलेटेड या तो उसका एब्रीवेशन दे दो या उसको पूरा ही लिख दो हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे लेटेस्ट

हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब वो न्यूक्लियस साइज़ छोटा होता है तो, हो है। होता है। तो, अगर है, तो हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इट मीनस इनवर्सली प्रपोर्शनल अगर चार्ज ज्यादा है आयन के ऊपर तो भी हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यानी मोर द चार्ज मोर बिल विदेलपी

क्योंकि तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होना है तो अगर वाटर की फॉर्म में, में होगा यानी एक्वस फॉर्म में होगा तभी वाटर के अंदर रहेगा अगर स्टेट में ही रहा तो थोड़ी देर में तो ये उड़ जाएगा तो वाटर के अंदर डिजोल्व तो हुआ नहीं है तो अब क्या होना है इसने इसने एक्वस स्टेट में चेंज होना है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोल्वेशन सो मतलब जब कोई सोल्यूशन बनता है तो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है फर्स्ट द ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स किसके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे जिसको भी आप डिजोल्व कर रहे हो और फिर वो वॉटर के अंदर या जिस भी liquid के अंदर, या जिस जिस भी भी के के अंदर अंदर अपने आप उसे dissolve कर सोलवेट हो जाएगा तो उस जो energy हमारी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन इन्थेरेपी और एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन तो इट मीन टू इंथेलपीज यहाँ हमारी इन्वॉल्व हुई है किसमें इंथेपी ऑफ सोल्यूशन में वन इज इंथेपी लेटेस्ट इंथेरेपी

जो टोटल इंथेलिपी होगी दैट विल बी सम ऑफ ऑल द समेलिपीज तो यहाँ पर भी हमने यही किया हमारी सोल्यूशन वाली इंथेलिपी टू स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है तो हमने दोनों को प्लस कर दिया ठीक अब इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका क्या है ये बॉर्न हैबर साइकिल अब बॉर्न bon हेबर ने इसके ऊपर एक साइकिल दिया उसने बोला कि कैसे हम किसी भी चीज की इंथेलिपीज को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें वैसे आई थिंक टू क्वेश्चन टू कंपाउंड इम्पोर्टेंट एक तो अमोनिया का पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर आपसे और एक एनएसीएल का पूछा जाता है तो मैं जो आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ सी एल वेव टोल्ड टोल्ड यू कि NaCl जो है ये सॉलिड स्टेट में है हमारा और जब ये टूटेगा तो ये गैशियस स्टेट में टूटेगा तो हम थोड़ा सा उल्टा लेकर चलते हैं हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें इसके लिए हीट ऑफ रियक्शन कैलकुलेट करना है मीनस वेन एनेम में है एंड क्लोरिन सबको पता है और जो भी इसमें हीट चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज इन थे बिकॉज ये रिएक्शन हो रही है अभी कम्बशन हो रहा है या यहाँ पर सोलवेशन हो रहा है या यहाँ पर हमारा फ्यूजन हो रहा है हमें मतलब नहीं है बट एक रिएक्शन हो रहा है तो दैट इज वाई दिस इन थे अब ये गैसियस स्टेट में है ये सॉलिड स्टेट में है तो दोनों मिक्स कैसे होंगे क्योंकि दोनों मिक्स होंगे तभी तो एन बनेगा अब ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन गैस और उसके ऊपर सोडियम सॉलिड फॉर्म में आके बैठ जाएगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता अगर दोनों चीजों को मिक्स होना है तो दोनों का स्टेट फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए या तो दोनों सॉलिड होने चाहिए या तो दोनों गैस होने चाहिए तो क्या होगा सबसे पहले ये एन जो है सोडियम जो है ये गैसियस स्टेट में आएगा अब गैशियस स्टेट में आने के लिए क्या होगा सॉलिड से गैस स्टेट में आ रहा है तो गैस स्टेट में जब कोई चीज सॉलिड से गैस स्टेट में आती है डायरेक्टली तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को सब्लिमेशन यस हियर विच एन्थैल्पी विल इवॉल्व सब्लिमेशन एन्थैल्पी है ना ये एन्थैल्पी क्या है एनर्जी रिलीज होगी या देनी पड़ेगी सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं तो दिस एन्थैल्पी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव सब्लिमेशन एन्थैल्पी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी भाई वे, कुछ भी नहीं पता हो अगर आपको तो भी देखो, देखो ना सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हो आगे आगे तो सॉलिड से गैस में किसी चीज को चेंज करना हो तो एनर्जी देनी ही पड़ती है ना तो सब्लिमेशन इन है हमने लिख लिया यहाँ पर प्लस एस लिख लेते हैं ताकि ज्यादा थोड़ा क्लियर हो जाए अब ये गैस स्टेट में तो आ गया बट हमें अभी भी ये नहीं चाहिए अभी भी हमें क्या चाहिए आयन्स चाहिए हमें पता है कि एन का जब बॉन्ड बनता है तो सोडियम एंड क्लोरीन आयन ज्वाइन टुगेदर बिकॉज आयनिक बॉन्ड है ये तो अब हमें इसे आयन में चेंज करना है आयन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सोडियम मेटल, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की रिमूव करने की देने की है ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और एन प्लस बन जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो कौन सी होती है वहां पर इंथेरेपी ये कैसी होती है पॉजिटिव की नेगेटिव जब एक आयन रिमूव होता है आयोनाइजेशन इन थेरेपी रिक्वायर्ड था डेफिनेशन में या रिलीज था पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर हमें तो एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है जल्दी बताओ फटाफट जल्दी 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 सोचो मत इतना हुँ? देनी पड़ती है एनर्जी देनी पड़ती है तो पॉजिटिव होनी चाहिए फिर है ना ओके okay. ठीक है तुम लोग कह रहे हो, हो yeah. तो मैं मान लेती हूँ पॉजिटिव होती होगी और फाइनली हमारे पास एनए प्लस अब यहाँ पर क्लोरीन ये गैशियर स्टेट में तो ऑलरेडी है लेकिन अब सोडियम uh, ने कहा कि भाई तू भी आयन स्टेट में आ मैं तो आ गया लेकिन अब इसको एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा ये गैसियर स्टेट वाला सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत यहाँ नहीं है बट ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो इसे अपनी एटमिक स्टेट में आना पड़ेगा पहले तो यहां पर ये जो है सी एल टू इट विल ब्रेक डाउन इन टू सी एल अभी हम करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंड तो जब कोई

क्लोरीन क्लोरीन गैस फॉर्म फॉर्म में में चेंज हो गया, But अभी भी हमें क्या क्या चाहिए चाहिए, आयन में चाहिए. अब यहां पर क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने की, है है, ना वो एक्सेप्ट करता है. तो वो एक्सेप्ट करके CL बनाएगा, तो जब एक्सेप्ट करता है तो कौन सी इंथेरेपी होती है इलेक्ट्रॉन गेन रिलीज होगी

अभी अभी हमने